हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 7th क्लास का, दी एस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख। इसमें कल हमने पढ़ा कि जो लालची वृद्ध दंपत्ति थी, उन्होंने क्या किया, वे जो दूसरे ईमानदार वृद्ध दंपत्ति थी उनके पास जाते हैं और उसकी जो ओखली और जादुई चक्की उधार लेकर जाते हैं। उन्होंने एक को उबले हुए चावल से और दूसरे को फलियों से भर दिया, यानी कि जो ओखली थी उसमें तो उसने चावल भर दिए और जो चक्की थी उसमें फलियां भर दी। और फिर जो लालची वृद्ध व्यक्ति था वह उसे कूटने लगा और औरत फलियों को पीसने लगी। लेकिन पहले ही जब उन्होंने चोट और घुमाने पर, यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने जैसे ही कूटना प्रारंभ किया और बुढ़िया ने जैसे ही उस चक्की को घुमाना प्रारंभ किया, तो जो पेस्ट्री और सॉस थे वे किरणों के एक बदबूदार ढेर में बदल गए थे। तो इस पर जो लालची वृद्ध दंपति थी वो बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने जो चक्की थी उसे जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए टुकड़ों में काट दिया, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति थी ईर्ष्यालु और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसलिए जो दूसरा वृद्ध दंपत्ति गांव में रहती थी, जिनका पालतू कुत्ता था, वे बहुत अमीर हो गए थे उस चक्की और उस ओखली की वजह से। इसलिए वे उन दोनों चीज़ों को लेकर के गए थे। आज हम उससे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन जो पंक्तियों में लाइन में क्या कह रहा है कि आप सभी जानते हैं कि जो दुष्ट वृद्ध दंपति थी, उन्होंने उसकी जो चक्की थी और ओखली थी उनको जला दिया था, नष्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ उसके बाद देखिए, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इसके बाद लंबा समय नहीं गुजरा था, यानी कि ओखली और उस चक्की को जलाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा समय गुजरा नहीं था। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, इसके बाद लंबा समय नहीं गुजरा था, द गुड ओल्ड मैन, गुड होता है अच्छा, अच्छे बूढ़े आदमी ने, ड्रीम्ड अगेन माने एक बार फिर से सपना देखा, अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा, यानी कि ज़्यादा दिन व्यतीत नहीं हुए थे और उस वृद्ध व्यक्ति ने एक बार फिर से सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, और कुत्ते की आत्मा ने स्पोक टू हिम, उससे बात की, यानी कि उन बातों को ज़्यादा दिन व्यतीत नहीं हुए थे और एक दिन फिर से अच्छे बूढ़े आदमी ने सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की और क्या कहा, टेलिंग हिम, उसे बताया कि हाउ द विकेड पीपल, कैसे दुष्ट लोगों ने, हाउ माने कैसे, द विकेड पीपल माने दुष्ट लोगों ने, हैड बर्न माने जला दिया, हैड बर्न मानी जला दिया, द मिल मानी चक्की को, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, देवदार पेड़ की मेड बनाई गई थी, फ्रॉम द पाइन ट्री, देवदार के वृक्ष से। तो उसने यानी कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि किस प्रकार से दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया था। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल, उन्हें बताया कि किस प्रकार से द विकेड पीपल, दुष्ट लोगों ने, हैड बर्न द मिल फ्रॉम द पाइन ट्री, कि किस प्रकार से उन दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया था। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्प्रिट। क्या कहा कुत्ते की आत्मा ने, फिर से कुत्ते की आत्मा ने कहा, टेक द एसेस ऑफ मिल,
चक्की की राख ले लो, टेक मानी ले लो, दी ऐस होती राख ऑफ द मिल मानी चक्की की। कुत्ते के आत्मा ने अपने मालिक से कहा कि चक्की की राख ले लो। आगे देखिए, टेक द ऐस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द वेदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पीक। तो कुत्ते की आत्मा ने उसे कहा कि चक्की की राख ले लो, टेक द ऐस ऑफ द मिल, चक्की की राख ले लो, स्प्रिंकल दैम ऑन द वेदर ट्री, और उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो। क्या कहा कि विदर्ड होता है मुरझा जाना, और स्प्रिंकल्ड होता है बूंद बूंद कर छिड़कना। तो उसने कहा कि चक्की की राख ले लो, उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो। विदर्ड ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों पर, विदर्ड होते हैं मुरझाए हुए, स्प्रिंकल दैम, उन्हें बूंद बूंद कर छिड़क दो ट्रीज मानी पेड़ों पर। उस कुत्ते की आत्मा ने कहा कि उस चक्की की राख ले लो और उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे फिर से खिल उठेंगे। एंड और दे विल ब्लूम अगेन, और वे फिर से खिल उठेंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। सैड माने कहा, द डॉग स्पिरिट माने कुत्ते की आत्मा ने। द ओल्ड मैन अवेक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, अवोक मानी जग गया, बूढ़ा व्यक्ति जाग गया, एंड वेंट मानी गया, एट वंस मानी तुरंत ही, टू हिज विकेड अपने दुष्ट नेबर्स मानी पड़ोसी के हाउस मानी घर पर। बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया। विकेड होता है दुष्ट प्रवृत्ति का। बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और तुरंत अपने दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया। वेयर He found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. क्या देखा उसने? Where he found, जहाँ उसने देखा, the miserable old pair, जहाँ उसने फर्श के बीच में, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, जहाँ उसने फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए, smoking and spinning, धूम्रपान और कताई करते हुए, अपने चौकोर fireplace, the edge of their square fireplace, अपने चौकोर fireplace के किनारे पर बैठे उस दुष्ट बूढ़े जोड़े को देखा। where he found the miserable old pair, वहाँ उसने उस दुष्ट बूढ़े जोड़े को, द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, अपने चौकोर फायरप्लेस के किनारे पर बैठे हुए उस दुष्ट बूढ़े जोड़े को, यानी कि जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति उनके घर पर, अपने पड़ोसी के घर पर गया, तो उसने क्या देखा, जहां उसने फर्श के बीच में, यानी फर्श के बीच में धूम्रपान और कताई करते हुए, अपने चौकोर फायरप्लेस, यानी कि बैठने की जगह होती है चौकोर सा बना हुआ होता है जिस पर बैठते हैं, के किनारे पर बैठे उस दुष्ट बूढ़े जोड़े को पाया। स्मोकिंग होता है धूम्रपान करते हुए, स्पिनिंग होता है चक्कर खाना, स्पिनिंग यानी कि चक्कर खाना, किनारे पर बैठे हुए उस दुष्ट बूढ़े जोड़े को वहां पर देखा। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेज from some bits of meal while behind lay a pile of the broken pieces. क्या देखा? From time to time, समय समय पर they warmed their hands and feet with the blaze. From some bits of the meal. समय समय पर वे चक्की के कुछ टुकड़ों से निकली ज्वाला से अपने हाथों और पैरों को गर्म कर लेते थे। क्या करते थे? हैंड्स माने हाथों को, एंड फिट माने पैरों को, वार्म्ड माने गर्म कर लेते थे। यानी कि जब उन्होंने चक्की जला दी थी, तो
तो जो चक्की की राख लाने की कुत्ते ने उसने कहा, तो वे जब गया तो उसने क्या देखा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, वे दे वार्म्ड देयर हैंड्स, वे अपने क्या कर रहे थे, अपने हाथों और पैरों को जो चक्की के टुकड़ों से निकली ज्वाला थी उससे अपने हाथों और पैरों को गर्म कर रहे थे। देखिए अगले प्रश्न, देखिए ये, सम बिट्स ऑफ मील वाइल बिहाइंड दे ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, टूटे, यानी कि समय समय पर वे चक्की के कुछ टुकड़ों से निकली जो ज्वाला थी, आग थी, उससे अपने हाथों और पैरों को गर्म कर लेते थे जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। वाइल बिहाइंड देम, जबकि उनके पीछे, ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, उनके पीछे जो चक्की के टूटे हुए टुकड़े थे उनका ढेर लगा हुआ था। तो बच्चों आज हमारा ये पैसेज कंप्लीट हुआ, कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक्स।